डिटेल में अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, टू वायर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। ध्यान देखना, मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम मतलब क्या होता है, ठीक है। दो वायर हैं, जिनका मटेरियल सेम है, मतलब यंग्स मॉडुलस, ठीक है, इनका सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है। द फर्स्ट वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ए, सेकेंड वायर इसकी एरिया ए है, इसकी एरिया 3 है, एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इंक्रीज बाय डेल्टा एल, इमेजिन करो कि इसका लेंथ बढ़ा दिया गया, दैट इज द डेल्टा एल, बाई अप्लाइंग द फोर्स। अब लेंथ ऐसे बढ़ेगा नहीं यार, इलोंगेशन तो ऐसे नहीं आएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। हाउ मच फोर्स नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर सेम अमाउंट। मुझे जिसकी एरिया क्रॉस सेक्शन 3 है, उसको भी मुझे एफ फोर्स लगाना, एफ डैश फोर्स लगाया, लेकिन इसमें भी इलोंगेशन डेल्टा एल ही रखना है, इन दोनों में इलोंगेशन सेम हो, ठीक है। टू वायर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड आई एम द सेम वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम सेम है, ठीक है, लेंथ सेम नहीं है भाई, वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, ठीक है। तो आपको मटेरियल सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है, ठीक है। अब चलो इसको F डैश निकालो। आप ऐसा क्वेश्चन आपको मैं बताया कि यंग्स मॉडुलस डायरेक्ट याद कर लो, यंग्स मॉडुलस Y इज इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा एल, इसको डायरेक्ट याद कर लो ऐसे, ठीक है। अब मैं लेंथ तो पता ही नहीं है भैया, ठीक है। जब लेंथ ही नहीं पता है, डेल्टा एल दोनों में सेम है, वाई सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एल, ठीक है। और चलो लेंथ निकाल लेते हैं एक बार ना। तो ये डेल्टा एल अपन एल एंड प्रोपोर्शनल टू एफ, क्योंकि बाकी सारे सेम है, बाकी सारे सेम है। एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं, क्या कर दिए, एक मिनट, बहुत बड़ा पाप हो गया, ठीक है। तो ये एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल सेम है ए अपान लेंथ, ये इक्वेशन लगेगा क्योंकि वाई सेम है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस इक्वेशन को लगाना चाहता हूँ तो मुझे लगाने के लिए लेंथ, ठीक है, एफ डैश निकालना, ये एफ हो गया, ठीक है, और एफ डैश एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ डैश एरिया के। तो एफ डैश एरिया इसकी 3 है और एरिया इसका ए, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एल डैश अपॉन लेंथ एल, ठीक है। इसका लेंथ मैंने मान लो ए एल ले लिया। चलो, इनका वॉल्यूम सेम है, तो V1 अपॉन V2, ठीक है। एक्चुअली L1 L2 लिए थे ना, तो L1 L2 ही ले लो, बार बार बदलो नहीं वेरिएबल, ठीक है। तो यह आ जाएगा L2 अपॉन L1, ठीक है। तो चलो, वॉल्यूम सेम है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन ए और इसका वॉल्यूम, ठीक है, इसका वॉल्यूम लिख रहा हूँ, एरिया क्रॉस सेक्शन, इसका लेंथ L1, इसका 3A और इसका लेंथ L2। इसका मतलब ये हुआ कि A ने A को, इसका मतलब L2 इज इक्वल टू 3L2 इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू, तो जब A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो F डैश पहले आया है, तो ये L1 पहले आएगा, तो L1 अपॉन L2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3L1 की वैल्यू 3L2 अपॉन L2, ठीक है। तो L2 ने L2 के मतलब 9F आ जाएगा ना, 9F, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट